ओम नमः शिवाय, ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी कुशल मंगल होंगे ऐसी मेरी आशा है। और आप सभी के लिए जो आज मैं प्रयोग बता रहा हूँ ये अत्यंत प्रभावशाली है। ये एकमात्र इकलौता ऐसा प्रयोग है जो आपके प्रेमी को या आपकी प्रेमिका को जीने नहीं देगा। अगर आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, यदि आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, अपना दिल दे बैठे हैं किसी मोहिनी को, तो ये आपके लिए बहुत ही उचित प्रयोग है, ये आपके लिए रामबाण है। यदि आपको किसी की याद सताती है पल पल, आपके पल पल पर किसी का कब्जा है, आप चाहकर भी उसे नहीं भूल पा रहे हो, आपके दिल में वो बस गया है, आपके दिल की गहराइयों में उतर चुका है, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको मुबारक हो। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस दुनिया में हर चीज़, हर प्रयोग काम करता है, बशर्ते उसके काम करने के तरीके अलग होते हैं, उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, कुछ सावधानियां होती हैं, उसको अगर आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं। कई कबार किसी की किस्मत में नहीं होता, वो चाहे कितना भी प्रयोग करे, लाख प्रयोग करे, फिर भी वो चीज़ पूरी नहीं होती, क्योंकि उसके सानिध्य में इतनी शक्ति नहीं होती, उसके जो कार्य हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो उसे साध सके। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्रयास करते रहिए, अग्रसर रहिए, न जाने कब कौन सा उपाय काम कर जाए। हमेशा अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट रखिए, एक पॉजिटिव थॉट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लोग कहते हैं ये काम कुछ नहीं होता, ये सब पाखंड है, ये सब पैसे कमाने के ज़रिए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं मानो तो गंगा मां, नहीं तो बहता पानी। यदि आप 10 लोगों से मिलें और 10 में 9 लोग अगर गलत प्रवृत्ति के हुए, तो आप 10वें व्यक्ति को भी उसी दृष्टि से आंकते हैं कि ये भी उसी प्रकार का व्यक्ति है, ये भी गलत है। मगर ऐसा नहीं होता। लोग बात करते हैं विश्वास की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कभी आप रेलगाड़ी में बैठे हैं, क्या आपने कभी ड्राइवर की सीट पर देखा है, इसे इंसान चला रहा है या बंदर चला रहा है? हम नहीं देखते। एक विश्वास होता है, विश्वास करके बैठ जाते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वास अगर हो तो पत्थर भी टूट जाता है, और जहां विश्वास नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। इसलिए किसी भी कार्य को करिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कोई टोटका हो या कोई उपाय हो या कुछ भी हो, सबसे पहला काम है विश्वास करिए। जब आप विश्वास करते हैं तब आप ऐसी तरंगे छोड़ते हैं, ऐसी वाइब्रेशन छोड़ते हैं जो उस चीज़ को होने में और ज़्यादा जल्दी कर देती है, जिससे कि वो चीज़ हो जाए, घटित हो जाए। और यदि आप किसी चीज़ के ऊपर पूर्णतः विश्वास करते हैं, जब आपकी इंगला और पिंगला नाड़ी में से जब वो चक्र ऊपर उठता है और वो सहस्रारा चक्र तक पहुँच जाए, तो समझिए आपकी इच्छा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। अधिकांश होता यह है कि हम कुछ सोचते हैं और उसके कुछ समय बाद हम यही सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इतने दिनों से मैंने प्रयास किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप याद रखिए, नतीजे निर्धारित हैं, नतीजे निकलने वाले होते हैं, उससे पहले ही आप हार मान जाते हैं। उस चीज़ को महसूस करिए, उस चीज़ को अपने पूरे जिस्म में, अपनी पूरी आत्मा में उसको फील करिए। और जब आप उसे फील करेंगे तो होगा ये कि ये पूरी दुनिया उसे आपसे मिलाने में लग जाएगी। एक कहावत भी है कि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो वो आपसे मिलाने में लग जाती है। यूं ही नहीं कहा गया उसे, वो कहावत 100% सच्ची है। चलिए उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ और आप सुनिए जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। आप खुद सुनिए और कैसे इनके काम हुआ वो भी सुनिए। जी अब बताइए। जी गुरु जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ गुरु जी। अच्छा, और कौन सा उपाय किया था आपने? मैंने हक अजमल का उपाय किया था और मेरा रिलेशनशिप इतना मजबूत हो गया गुरु जी, इतना मजबूत कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो जानते मेरा बात
मानती थी नहीं, कुछ भी नहीं, यानी कि वो तो इतना तक भी हो गया था हम दोनों के बीच में, तो वो तो किसी और से भी यानी कि बात भी करना शुरू कर दी थी। कहूँ जाती थी तो कोई लड़का अगर उसको देखता था चाहे कुछ भी, तो किसी और से भी बात होती यानी कि करती थी अगर जो ऐसा होता तो। लेकिन ये मंत्र मैंने जब से शुरू किया है, जब से हम आपको बता नहीं सकता कि वो कितना है जो हमसे प्यार करती है और कितना हमको चाहती है, हम आपको बता नहीं सकता। गुरु जी हम बहुत खुश हैं। कैसे किया था आपने ये बताइए। मैंने रात को 10 बजे से पहले बढ़िया से नहा धो करके, बढ़िया से वस्त्र पहन करके, आसन लगा करके, उसका फोटो ले करके रात को 10 बजे मंत्र 300 बार रोज यानी कि पढ़ते थे। और जो आपने बताया वीडियो में कि दो बार फूंक मारे उसके बाद फिर अपने सीने से दो बार लगाए, तो वो वही मैंने किया। और इसका रिजल्ट तो हमको 2 दिन में ही आ गया, इसका रिजल्ट हमको 2 दिन में ही आ गया। हमने ऐसे किया था 30 दिन, लेकिन मेरा रिजल्ट तो 2 दिन में ही आ गया। अच्छा अच्छा, तो आपका काम बन गया। जी गुरु जी मेरा काम बन गया, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश। बहुत 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 धन्यवाद आपका गुरु जी। लोग ऐसा कहते हैं कि मैं लोगों को पैसे देता हूँ ये सब बोलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, बस अपने अंदर जो भी आप यानी कि वीडियो बनाते हैं वो तो आपका बात से ही, आपका बात ही सुन करके हमको अंदर फील होने लगा था कि नहीं मेरा ये काम बन जाएगा, ये बन जाएगा, सिर्फ आपका बात सुन करके। अपने अंदर नेगेटिविटी रखना ही नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि हाँ मेरा ये काम बनेगा ही बनेगा, तो ही बनता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम था आपका। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, मैं बिहार राज्य से बोल रहा हूँ। मतलब अब आपकी गर्लफ्रेंड खुश है आपसे। जी बहुत खुश है, हमसे बात भी करती है, बहुत अच्छे से बात भी करती है, बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो ये आवाज सुन रहे हैं अभी, जो सभी हमारे साथ। जी जी, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि अगर जो वो कोई भी उपाय करे तो अपने अंदर ये बस जगा ले कि हाँ मेरा काम ये बनेगा ही बनेगा, तो उनका काम 100% बनता ही बनता है। और आपकी वीडियो तो मैं बता नहीं सकता कि कितना कारीगर है आपको हम भी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह वीडियो देखते रहिए, आपके सारे काम आगे भी बनते जाएंगे। जी जी गुरु जी, जी जी प्रणाम। तो सुना आपने, अगर इनके काम पूरे हो सकते हैं तो आप में क्या कमी है। आपके भी काम पूरे होंगे, आपके काम पूरे होंगे ही होंगे, आपके काम को पूरा होना पड़ेगा यदि आप विश्वास करते हैं तो। याद रखिए, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है, सभी रोगों की दवाई होती है विश्वास। यदि कोई डॉक्टर होता है वो आपको कोई मामूली दवाई दे दे, और यदि आप विश्वास करते हैं कि इससे मेरा बुखार या खांसी ठीक हो जाएगी, तो वो भी ठीक हो जाती है। विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है, इसे आप किसी भी चीज़ में आजमा सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने संबंध के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, या किसी भी क्षेत्र में। जब तक आपके पास विश्वास है आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत करोड़पति हैं। इंसान कहीं से भी गिरे उठ सकता है, लेकिन अपनी नज़रों में गिर जाए वो कभी नहीं उठता, वो इसी का ही एक उदाहरण है। आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, और इतना कारगर है, लेकिन इस पर विश्वास रखिए और उसके बाद देखिए, आप खुद बोलेंगे कि कमाल हो गया। पूर्णिमा की रात जब पूरा चांद दिखे, बादल न हो, जब पूरा चांद आसमान में हो, उस समय पीपल के पत्ते के ऊपर अपना और अपनी प्रेमिका का नाम लिख दीजिए। पहले अपना नाम लिखिए, उसके बाद अपनी प्रेमिका का। अगर कोई लड़की है तो पहले अपना नाम, उसके बाद अपनी प्रेमिका नाम, पूर्णिमा की रात को। और उसको लिखने का जो तरीका है, अनार की लकड़ी लेनी है आपको, अनार का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी लीजिए, और जो रोली होती है हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उसको पानी में घोलिए, वो घुल जाएगा। तब अनार की लकड़ी की कलम बनाकर पीपल के पत्ते पर आप अपना और उसका नाम लिख दीजिए, तो आप दोनों की जो प्रेम में बाधा आ रही है वो फट से दूर हो जाएगी। 24 घंटे के भीतर आपको उसका फ़ोन आएगा। और यदि कोई इच्छा है, आप पाना चाहते हैं, किसी मुकाम को रचना चाहते हैं इतिहास बॉक्सिंग में, तो भी आप अपनी इच्छा को पूरी तरह से उस पत्ते पर लिख दीजिए,
ध्यान रहे पत्ता टूटने ना पाए, यदि पत्ता टूट गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। सिर्फ पूर्णिमा की रात को, हर महीने पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा की रात को आप पीपल का पेड़ देख लीजिए और उस पर अपनी इच्छा लिख दीजिए किसी एक पत्ते पर, और इस तरह से आपकी इच्छा पूरी होगी कि आप मेरे चैनल पर दोबारा आके नीचे कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी मेरा काम हो गया। मेरे को लाखों कॉल आती हैं दिन में जो कहते हैं कि हमारा काम बन गया, और ऐसी कॉल भी आती हैं जो मुझे बताती हैं लेकिन मैं उठा ही नहीं पाता। जो लोग मुझे बताना चाहते हैं जिनका काम हो गया, वो मुझे ईमेल के ज़रिए भी बता सकते हैं, और जिनका काम नहीं हुआ वो भी मुझे बता सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इस दुनिया में कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ ही चंद मुट्ठी भर लोग आगे बढ़ पाते हैं इस भीड़ में से? वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर होता है अपार विश्वास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आपके पास विश्वास का धन है तो आपके पास सब कुछ है। यदि विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। प्रेम प्रसंग में आप किसी के साथ आते हैं तो अपने साथी पर भी आप सबसे पहले विश्वास करते हैं। ये वही विश्वास है जो आपको आगे ले जाता है, जो आपकी हर मंजिल को आप तक पहुंचाता है। कहते हैं आपको पूरी सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं है, विश्वास का पहला कदम बढ़ाइए, आपको आगे की सीढ़ियां अपने आप दिख जाएंगी। उसी चीज को बार बार सोचते रहिए, अपने माइंड में वो इमेज बनाइए। जब आपके सबकॉन्शियस तक वो इमेज पहुंच जाएगी, उसके बाद वो चीज़ें घटित होना शुरू हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। आपको एक चीज़ बताता हूँ, यदि आपने किसी चीज़ को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ और उसको फ्यूचर में रखा कि ये चीज़ मुझे मिलेगी मिलेगी मिलेगी, ये नहीं सोचा कि ये मिल गई, अगर आप उसे फ्यूचर में रखते हैं, भविष्य में रखते हैं, तो वो चीज़ मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन आपको नहीं, आपके आसपास किसी व्यक्ति को या किसी महिला को मिलेगी। आप उसे देख सकते हैं, आप इसे आजमा के भी देख सकते हैं। किसी एक चीज़ को आप भविष्य में सोचिए कि ये मुझे मिलेगी, किसी दिन मिलेगी, तो वो आपके आसपास ही किसी को मिलेगी। यदि आप सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल गई है, प्रेजेंट में मिल गई है, उसको फील करते हैं, तो उसके बाद वो चीज़ आपको ही मिलेगी, उसे कोई भी इस दुनिया में आपसे नहीं छीन सकता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको बताया था, पानी का एक्सपेरिमेंट। पानी जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा, लेकिन तभी जब आप उस पर विश्वास करेंगे। चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, अगर ये सोचकर आप कोई उपाय करते हैं तो उसमें आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। याद रखिए, आपके ऊपर, आपके सराउंडिंग, आपके माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिस माहौल में आप रहते हैं उसकी वाइब्रेशन आपको दिन भर घेरे रहते हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा प्रकृति में ले जाएं, थोड़ा घर से बाहर निकलें, उसके बाद आप ध्यान लगाएं और देखें कितना फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। जीवन का मतलब ये नहीं कि आए और चले गए, जीवन का मतलब होता है कि हम जीवन में क्यों आए, क्यों हमने जन्म लिया, इस सत्य को जानें और जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि युगों युगों तक आपका नाम रहे। वो लोग जिन्होंने नाम किया, वो कोई आसमान से नहीं आए थे, उन्होंने भी इसी धरती पर जन्म लिया था, बशर्ते ये है कि उनके सोचने का तरीका अलग था और आपके सोचने का तरीका अलग है। जब आपने देखा होगा किसी 25 साल या 26 साल के लड़के को, उससे पूछा जाए कि तुम्हें क्या बनना है, तो वो जब बताता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है। और जब आप किसी 60 साल के व्यक्ति से पूछते हैं कि आपने जीवन में ये बनना था, बन क्यों नहीं पाए, तो उसकी आंखों में वो चमक गायब हो जाती है, वो कुछ धुंधली सी हो जाती हैं उसकी आंखें, और वो आपसे जी चुराता है और वो तरह तरह के बहाने लगा देगा। वो क्यों लगाता है? क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, उतना फील नहीं किया उसने। याद रखिए, कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो पागल हो जाते हैं। किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाइए, वो आपको ज़रूर मिलेगी। आग लगा लीजिए अपने पीछे, जैसे मिसाइल के पीछे आग लगी होती है तो वो भागती है आगे, वैसे ही जिसके दिल में आग लगी होगी वो उसे चीज़ अवश्य मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए कि आप अगले वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, और इसी तरह से अपना प्यार बांटते रहिएगा। दुर्लभ सामग्री को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी तरह प्यार बांटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।